A very good morning to our students and welcome to my channel Adifly J Need. So today we are going to study a very interesting uh, phylum of animal kingdom that is Escalminthus. They are known as round worms. Basically, we are going to study about the round worms, there is ex beautiful examples in case of Ascalminthes. Fine. So we are going to study about Escalminthes.

So, I have shown you the basic example so that you can relate it. Fine. Now, we will see the general characteristics in case of Escalmentis. What are the general characteristics? What are their habit and habitat? Their their germ layers, then body form, everything. Fine. So, first we will see about general characters habit and habitat. Where they are found? They are found in basically they may be aquatic or terrestrial and and they are parasites on plants and animals. Fine. Parasites are the feed. Fine. हैबिट एंड हैबिटेट कहाँ पाए जाते हैं वो आपको जानना ही पड़ेगा तभी आप इसके डिटेल्स जान सकते हो नेक्स्ट इज बॉडी फॉर्म बॉडी फॉर्म बॉडी कैसा है देखिए डायग्राम में देखते आपको क्या पता चलता है देखिए पतला है थीन उसको क्या कहेंगे सिलेंडर सिलेंडर क्या होता है बहुत पतले पतले होते हैं ठीक है वर्मी फॉर्म वर्मी फॉर्म मतलब वॉम के शेप का वॉर्म वॉर्म आप लोग तो बहुत जानते हैं बहुत फेमिलियर है वॉर्म उसके शेप को वर्मी फॉर्म कहते हैं नेक्स्ट इज अनसेगमेंटेड देखिए बॉडी सेगमेंट कब होता है जब ये इक्वली ऐसे 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 से डिवाइड होता है लेकिन ये अनसेगमेंटेड है इसकी बॉडी इक्वली डिवाइड नहीं है फाइन फ्लैट और सिलेंड्रिकल ये देखिए फ्लैट ये है सिलेंड्रिकल शेप इसका फाइन ये हो गया आपका बॉडी फॉर्म किस किस रूप में पाया जाता है नेक्स्ट इज नेक्स्ट देखिए इसको राउंड वार्म क्यों कहते हैं वॉट इज द मेन पर्पज ऑफ टॉलिंग टेलिंग इट्स राउंड वार्म द मेन रीजन इज दैट वेन एवर यू कट ए सेक्शन सपोज एक सेक्शन आप काटते हैं यहाँ से हुँ? अगर आप काटते हो यहाँ सेक्शन इफ यू टेक इट जब आप सेक्शन लोगे उसकी उसको सेक्शन को लेके क्या कहते हैं उसको क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन जब करोगे स्कैरिस का या एनी एनी एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैर तो वो क्या होगा कि वो राउंड होता है सर्कुलर होता है शेप ऐसा सर्कुलर शेप होगा तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा राउंड पड़ा क्या पड़ा राउंड बेसिकली स्केल ऑर्गेनिज्म हैं उसको क्या कहते हैं राउंड वॉर्म्स वाई द रीजन इज दैट ठीक है जब तो हम क्रॉस सेक्शन करेंगे शेप क्या होगा सर्कुलर होगा फाइन नेक्स्ट इज बॉडी सिमेट्री बॉडी सिमेट्री कैसी होती है उनकी बॉडी सिमेट्री देखिए मैंने पढ़ा है आपको कि फ्रॉम प्रीवियस लाइक फ्रॉम पेटी हेलमिंथस आई टोल्ड यू दैट देर बिट एडवास फॉर्म चलते जा रहे हैं एडवांस फॉर्म की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं तो दे आर बायोलेट्रल सिमेट्रिकल एनिमल्स बायोलेट्र सिमेट्रिकल मतलब बॉडी कैन बी डिवाइडेड एग्जाम्पल मैंने बहुत फर्स्ट क्लास में बताया था बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाउस दैट इज बायोलेट्रल सिमेट्रिकल फाइन एक टर्मिनोलॉजी मैं आपको समझाते हुए चलूंगी ताकि कोई भी डाउट्स हो कोई भी क्वेश्चन हो मैं आपका हर डाउट्स क्लियर करना चाहती हूँ सो आई एक्सप्लेन यू फ्रॉम द वेरी बेसिक फाइन नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें ठीक है ऑर्गन सिस्टम होता है इनका हैं मतलब है. क्या, क्या होते हैं आपको मैंने कई बार बोला हैडोडम फाइन बॉडी डेवलप फ्रॉम थ्री दे आर नॉन इज ट्रिप्लोब्लैटिक एनिमल्स दैट इज इक्टोडम मिजोडम एंडोडम फाइन तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम और भी जानेंगे बहुत सारी चीज़ें जानने को ये बेसिक्स था यहाँ से शुरुआत किए कि बॉडी फॉर्म कैसा होता है कहाँ पाए जाते हैं बेसिक वेरी कॉमन एग्जाम्पल है शोन यू दैट इज़ ए फाइन बॉडी सिमेट्री कैसी होती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट हम इसके बारे में ही बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे एसकल बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे फाइन सो so देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट

सिडोसिलम प्रेजेंट होता है ना सिडोसिलम क्योंकि सिलम क्या होता था लाइनिंग बिटवीन द बॉडी वाले एंड द कैविटी ठीक है ना बॉडी कैविटी ना तो सिलम था तो हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं हाई फ्लूइड प्रेशर इन सिडोसिलम वही मेंटेन क्या करता है इनकी जो बॉडी शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है क्या सीडोसिलम में जो हाई प्रेशर होगा वही बॉडी शेप को मेंटेन करेगा सो दिस वाज़ ऑल अबाउट स्केलेटन नेक्स्ट इज बॉडी कैविटी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रेट कैविटी प्रेजेंट होता बट पेटी हेलमिन में एबसेंट था ठीक है नो डाउट इट्स नॉट लाइन बाय मिजोराम बट दे हैव फर्स्ट लेट इज स्यूडोसिलम फर्स्ट सेलम है ठीक है फर्स्ट दे आर नॉट लाइन बाय मिजोराम नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव कैनल क्या है कम्प्लीट है बट पिछला क्या था इनकम्प्लीट था क्योंकि प्लेटिया में क्या था मूथ फूड तो जाएगा ही माउथ से अनडाइजेस्टिड के लिए एनस एप्सेंट था वापस माउथ से ही अनडाइाइजेस्टिड फूड वापस आते थे यहाँ क्या आते डाइजेस्टिव कैनल इज कंप्लीट विद माउथ एंड स्पेशलाइज मस्कुलर फेरिंग्स अब ये याद रखिए क्योंकि फ्रॉम दिस फाइलम ओनली न्यू थिंग इज इंक्लूडेड इन केस ऑफ डाइजेस्टिव क्या है स्पेशलाइज्ड मस्कुलर फेरिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू फाइन डाइजेस्टिव कैनल कंप्लीट है और उसमें क्या होता है माउथ होता है और स्पेशियस मस्कुलर फेडिंग्स होता है फाइन तो ये हो गया स्केलेटन हो गया बॉडी कैविटी हो गया डाइजेस्टिव हो गया और अब अब देखते हैं हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सो ना विल सी अबाउट गैस एक्सचेंज हाउ डज इट हैपन्स इन केस ऑफ एस्कलमेंथस गैस एक्सचेंज इज दैट स्पेशलाइज रेस्टिटे स्ट्रक्चर इज एबसेंट लाइक सेम इन केस ऑफ प्लेटिहलमेंथस फाइन गैस एक्सचेंज अकर्स थ्रो हाउ जनरल बॉडी सर्फिस फाइन नेक्स्ट इज इट वेरी सिमिलर टू इन केस ऑफ प्लेटियलमे दिस इज जस्ट कंपेयर एंड स्टडी सर्कुलेटरी सिस्टम इज एबसेंट इट्स ऑल्सो एबसेंट इट वॉज ऑल्सो एबसेंट इन द प्रीवियस फाइल नेक्स्ट इज एक्सक्रेटरी सिस्टम एक्सक्रेटरी ट्यूब प्रेजेंट क्या होता है एच शेप्ड एक्सक्रेटरी सेल और रेनेट सेल क्या होता है एच शेप्ड एक्सक्रेटरी सेल और रेनेट सेल कहते हैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट है जान के रखिएगा बिकॉज इट्स ऑल कम इन द एग्जाम रेनेट सेल रिमूव्स द बॉडी वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रो पोर एक्सक्रटरी पोर होता है एच शेप होता है एच शेप उनका एक्सक्रटरी जो ट्यूब है एच शेप होता है उसी से उनका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट रिमूव होता है और एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट क्या है एमोनिया सो दे आर एमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स फाइन सो दिस ऑल अबाउट एक्सक्रटरी सिस्टम वट वटंस एच शेप एक्सक्रेटरी सेल

हार्ड शेल होता है बहुत ईजिल नहीं टूटता है ठीक है काइटेनस शेल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इंटरनल नेक्स्ट टॉक अबाउट डेवलपमेंट डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्या होता है अडल्ट जो उसके जो बेबीज हैं दिम्स लाइक अडल्ट एंड लारवाइज प्रेजेंट लार्वाइज प्रेजेंट एंडम ऑफ द लार्वाइज रेबजिटी फ्रॉम लारवा वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू

सी एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइज इट्स नॉन इज द राउंड वर्म राउंड वर्म का साइंटिफिक नेम क्या है एस्काज लुम्ब्रिकॉयज बोथ द नेम यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज दे माइट एग्जाम द एग्जाम लाइक मैच द फॉलोइंग हो गया कि इसका कॉमन नेम क्या है उसकी एग्जाम्पल्स दिस बहुत अच्छे से रिमेंबर कर रही आप लोग ठीक है पूछे रही बैंक्राफ्टी इज फ्लेरियल वॉर्म देन एंक्लाइस्टम डिटेनल इज हुक वॉर्म एंटोरबियम वर्मिक्यूलिस इज नथिंग पिन वॉर्म सी थ्रेड वॉर्म लोअर लोआ इज आई वाम वेरी इम्पोर्टेंट लोअर लोआ देख लीजिएगा वो का क्वेश्चन आता है स्कैरिस वन टू लोवा एंड ड्रांकुलस दिस फोर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा बाकी अब जस्ट स्टडी एंड गो दिस फोर वेरी इंपॉर्टेंट लोअर लोआईल सो दिस वे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इनका सिर्फ एस्कलमिन ना हम एक आध एग्जाम्पल के बारे में हो सकता है थोड़ा डिस्कस करें सारे के बारे में इतना तो डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है आपको बस यू जस्ट रिमेंबर द एग्जाम्पल्स दिस फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट रेस्ट यू जस्ट यू कैन जस्ट रिमेंबर फाइन सो लेट्स सी नेक्स्ट सी एमोंग ऑल द एग्जाम्पल्स आई वॉन्ट आई हैव टू डिस्कस अबाउट एसके दिस इज इन यूर सिलेबस इन एन सी आर टी एंड इवन इन नीट एग्जाम्स सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसके अरेसिस इज कॉज्ड बाय एस्केरिस लुम्ब्रीकॉइज This is the name of the organism which used to cause ascariasis. Fine, they belongs to the phylum Ascalminthes, and Ascalminthes is also known, known as Nematelminthes. You have to know this has other name for Ascalminthes is Nematelminthes. Fine, they the most common worm. This is the most common worm. This is the very common. See, I have shown in the diagram ascaris. This is the worm present in human. That is, they are found in the humans. Fine, ascariasis lumbricoids What the दे आर लॉन्ग थिन वॉर्क दिस इज द लॉन्ग लॉन्ग होते हैं थिन होते हैं एंड टैपरिंग एट बोथ एंडस देखो इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड टैपरिंग वट इज कॉल्ड टैपरिंग दे हैव द टैपरिंग एट बोथ द एंड फाइन इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ इंटेस्टिनल नेमाटोर पैरासीटाइजिंग ह्यूमन्स लार्जेस्ट ऑफ इंटेस्टिनल नेमाटोर्स दिस इज द लार्जेस्ट एसकाज लुबिकॉल इज द लार्जेस्ट द एपिडिस सिक्रेट्स अ थिक एक्स्ट्रा सैलुलर क्यूटिकल कवरिंग द बॉडी एपिडेमिस क्या करता है द सक्रेट्स ए वेरी थिक एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर क्यूटिकल कवरिंग द होल बॉडी सो दिस इज अबाउट एस्केरिसिस लिम्बरिकॉइस एस्केरिसिस विच ऑर्गेनिज्म काजिस द एस्कैरिसिस फाइन सो विल सी द नेक्स्ट पॉइंट नाउ

Male shows the presence of posterior penile city posterior penile city is called posterior penile city. This is about the Ascaris Lumbricoids. Now we will study about the life cycle of Ascaris Lumbricoids. This is in your syllabus and I have to discuss with you about the life cycle of Ascaris Lumbricoids. Fine. Now let's see about life cycle of AL. AL is Ascaris Lumbricoids. See they are monogenetic that means that involves only one host. Host is involved. See adult worm, adult worm where they live, they reside in the human of small intestine. Fine, how the life cycle continues in case of AL. See, female produce how much eggs? Two lakh eggs per day, and that egg will be passed with the fecus, and that will form that will become infective after how much? 18 days. That is. Second stage juvenile. Next is the embryonate to become infective. Embryonate means uh, in uh, like conditions of uh, environmental conditions like moist air or everything. Embryonate to become infective, and that will form that eggs will be swallowed and larva will be hatched. After that, that will invade the intestinal mucosa, and then it will form. Then it will go to the systemic circulation and from the lymphatics to lungs. It will enter to the lungs. तो लार्वा कहाँ मैच्योर होगा लार्वा विल गेट मैच्योर इन लंग्स आफ्टर दिस मोर स्टेप्स आर देयर आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम लार्वा विल मैच्योर इन द लंग्स एंड हाउ वेयर द एडल्ट विल गो एडल्ट वर्म विल गो सो लार्वा विल बी मैच्योर इन द लंग्स एंड द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू शो यू नाउ सो दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ साइकिल लाइक लार्वा लार्वा विल प्रीवियस स्टेप्स आई हैव शोन यू विल मैच्योर इन लंग्स लंग्स में क्या होगा लार्वा मैच्योर होगा एंड देन वेयर इट विल गो इट विल पेनिटेड एलवियल ऑफ वॉल्स एंड एसेंट द ब्रोंकिल ट्री और ब्रोंकिल ट्री टू द्रोट थ्रोट गले में जाके स्वालो हो जाएगा अंदर चला जाएगा फाइन नेक्स्ट इज दे दैट एडल्ट वम एट दैट लार्वा हो गया न एडल्ट वम में मैच्योर हो जाएगा कहाँ मैच्योर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो बड़ा हो जाएगा और एडल्ट वॉर्म कितने दिन तक रह सकता है हमारी बॉडी में इट कैन लिव फ्रॉम वन टू टू ईयर्स इट कैन स्टे इन अवर बॉडी फॉर वन टू टू ईयर्स फाइन दिस इज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ ए एल बहुत ईजी है आई हैव शोन यू टेबलेट फॉर्म इज वेरी ईजी जस्ट रिलेट कॉर रिलेट एंड स्टडी कहाँ मैचोर होता है लार्वा कैसे कैसे जाता है कितने टाइम लगते हैं उसे हैच होने में एवरी थिंग इज आई हैव टोल्ड यू सो ना लेट्स नेक्स्ट पॉइंट सो ना लेट सी अबाउट वट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एस्केरिस सी मोड ऑफ ट्रांसमिश इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है थ्रू फर्टिलाइज एग ऑफ द पेरेजाइट अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है फाइन सो फर्टिलाइज एक्ट के थ्रू क्या होता है उनका इन्फेक्शन होता है मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन क्या है इट्स फीको ओरल रूट फीकस के थ्रू फाइन वाटर और वेजिटेबल्स जो अच्छे से अगर धो कंटेमेटेड वाटर हो या फिर जो ऑर्गेनिजम्स है उन्होंने अपना एग वहाँ पे हैच कर रहे हैं तो फिर वहाँ अगर वो पानी पियेंगे तो वो भी आपके लिए हानिकारक है प्लस अगर वेजिटेबल्स नहीं धोते धो हैं अच्छे से तो उससे भी आपका ट्रांसमिशन होने चांसे Next is of infection. Infection infection के चांसेस है नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन इन्फेक्शन कहाँ से इन्फेक्शन के सोर्सेज क्या है व्हीकल्स लाइक कंटेमिनेटेड फूड और वाटर जो खाना पानी जो कंटेमिनेटेड होते हैं जो मतलब जिसे कि चांसेस होते हैं ट्रांसमिशन के नेक्स्ट इज बाय अनक्न हैंड्स ऑफ फिंगर्स हाथ धो के नहीं खाओगे या हाथ धो के किसी चीज़ को छूओगे उसको खा लोगे तो उससे भी इन्फेक्शन बढ़ते हैं ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट मॉड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन सो दिस इज ऑल अबाउट निमेथल मिंथस आई मीन एस्कल मिंथस टूडे आई हैव कम्प्लीटेड द निमाथल मिंथस नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द नेक्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम सो टुडे आई आल कंक्लूड माई क्लास आई होप यू आर एन्जॉइंग माई क्लासेस सो